दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का सन कितना विशाल है? पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% मास इकलौते सन का है, विशेष रूप में इसमें पड़े हाइड्रोजन और हीलियम का, और बाकी के सारे प्लैनेट्स सिर्फ सोलर सिस्टम के कुल मास का 0.14% ही हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी 3.7 बिलियन ईयर्स में टकराने वाले हैं? ये दोनों बहुत तेज गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। जब ये दो गैलेक्सीज टकराएंगी तो एक विशाल अंडाकार या इलिप्टिकल गैलेक्सी का निर्माण करेंगी। तब मैं और आप शायद आसपास भी नहीं होंगे। दोस्तों, क्या आप एक एस्ट्रोनॉट बनने का ख्वाब रखते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट को हर महीने अपने मसल मास का लगभग 1% हिस्सा खोना पड़ सकता है। इसे रोकने के लिए उन्हें हर दिन 2 घंटे का एक्सरसाइज करना पड़ता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? दोस्तों, आपको जान के ताज्जुब होगा कि एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेस में पानी का एक विशाल भंडार मिला है, जो अब तक का सबसे बड़ा भंडार है। पर अफसोस, ये हमसे 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। इस वाटर क्लाउड में पृथ्वी के सभी ओशंस की तुलना में 140 ट्रिलियन गुना अधिक पानी है। दोस्तों, आपने सैटर्न के रिंग्स के बारे में तो सुना ही होगा। सैटर्न के रिंग्स इसके आकार की तुलना में बहुत ही पतले होते हैं। कंपेयर करने के लिए इमेजिन कीजिए कि आपके पास प्लैनेट का एक स्केल्ड मॉडल होता जो 3 फीट चौड़ा होता, तो इसके रिंग्स एक रेजर ब्लेड से 10,000 गुना पतले होते। दोस्तों, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे प्लैनेट अर्थ के पास 2-2 मून हुआ करते थे। उनके रिसर्च के अनुसार लगभग 750 मील चौड़ा एक छोटा मून बड़े मून की ही तरह पृथ्वी की परिक्रमा करता था। संभवतः बाद में यह हमारे बड़े मून से टकरा गया, और शायद यही कारण है कि चंद्रमा के दोनों किनारे एक दूसरे से कितने अलग दिखते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं एक और चौंकाने वाला सच। हमारे अपने प्लैनेट के अंदर और समुद्रों में लगभग 20 मिलियन टन सोना पाया जा सकता है। यह इतना ज्यादा सोना है कि यदि यह सारा सोना निकाला जा सके तो प्लैनेट की पूरी सतह को सोने की 2 फुट लेयर से ढका जा सकता है। और यदि यह सोना हम सभी में इक्वली बांट दिया जाए तो पृथ्वी के प्रत्येक निवासी को लगभग 9 पाउंड सोना मिलेगा। आज हम अंतरिक्ष में लगभग 13.2 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक देख सकते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप को इस एक इमेज को कलेक्ट करने में 10 साल लग गए। हमारे यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना माना जाता है, और अभी तक इसका लगातार एक्सपेंशन ही हो रहा है। प्रेजेंटली इसका डायमीटर लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स का है। स्पेस की एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की बात छोड़िए, यदि आप एक फास्टेस्ट कमर्शियल प्लेन से सन के निकटतम स्टार तक की यात्रा करेंगे तो आपको लगभग 5 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। इसे कहते हैं ना, लंबी दूरी की उड़ान। तो आशा करता हूं आपको कुछ नया फैक्ट सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।